गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्प्राउट खिचड़ी। और स्प्राउट खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी चावल, आधा कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी अंकुरित स्प्राउट्स, एक प्याज कटा हुआ, दो टमाटर कटे हुए, एक हरी मिर्च और दो कली लहसुन की। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, प्रेशर कुकर रखेंगे और प्रेशर कुकर में दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। अब कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। उसके बाद आधी चम्मच जीरा डालेंगे। अब टमाटर हरी मिर्च भी डालेंगे। टमाटर को एक मिनट भूनेंगे। अब हम स्प्राउट डालेंगे। इसके बाद वॉश किए हुए दाल चावल डालेंगे। एक दो मिनट भूनेंगे। अब हम एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। एक चुटकी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। चावल को 2 मिनट भुनेंगे। चावल में 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। हमने 1.5 कटोरी दाल चावल लिए थे तो हमें चावल का दुगना पानी लेना होगा। अब हम प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे और सीटी आने तक वेट करेंगे। प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने देंगे। सीटी आने के बाद गैस बंद कर दीजिए और कुछ मिनट के लिए प्रेशर कुकर को ठंडा होने दीजिए, फिर ढक्कन खोलिए। देखिए हमारी खिचड़ी रेडी है। अब हम चावल को ऊपर नीचे करेंगे ताकि वो आपस में चिपके ना। अब हम खिचड़ी को एक बाउल में निकालेंगे। तो लीजिए हमारी खिचड़ी रेडी है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।